जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस BCRW यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग BCOM पार्ट टू सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। ये चैप्टर नंबर 1 के आपके सामने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कि इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेजेस, कंसिड्रेशन, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिपेयरिंग इफेक्टिव मैसेज। यानी कि एक सवाल कई तरीक़ों से आ सकता है, यानी कि एक सवाल 5 तरीक़ों से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मेरे कहने का मकसद ये था कि जो एक क्वेश्चन है ना, वो इस तरह से पूछ सकते हैं, क्लियर। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 के जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे आप लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 3 के हैं ये, मैं इसलिए आपको बुक पढ़ाने से पहले बता रही हूँ कि सबसे पहले आप एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर, ताकि स्टूडेंट को पता हो हमने कैसे और किस तरह तैयारी करनी है। इस तरह चैप्टर नंबर 4 के भी आप लिख लीजिए, 5 का सिर्फ एक है, 6 का भी एक ही है, लेटर है उसमें, 7 का देख लीजिए, क्लियर। ये मैं आप इसे ना नोट डाउन करते जाइए साथ में। 7 में कुछ CV बनानी होंगी, एप्लीकेशन बनानी होंगी, ठीक है। 6 में जैसे लेटर है, 7 में एप्लीकेशन है, 8 में जो है कुछ पॉइंट्स हैं ओरल प्रेजेंटेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मैंने मार्केट टर्म्स का आपको बताया था, ये है क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी आपकी आनी है शॉर्ट आंसर, ठीक हो गया। ये मैं इसलिए आपको वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं BCRW के, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं और जो अकेडमीज में नहीं जा सकते। ओवरऑल हर स्टूडेंट ही बेनिफिट ले सकता है, नो इशू। ये आप साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर हो गया। ये एक सिलेबस है जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ वीडियो के थ्रू, जी ये आप नोट डाउन कर लीजिए।